तो हैदराबाद में विवाद और सद्भाव बिगाड़ने में अहम किरदार टी राजा सिंह का भी है। वैसे आपने टी राजा सिंह का नाम पहले भी कई बार सुना होगा और यकीनन हर बार आपने ये नाम किसी न किसी विवाद के कारण ही सुना होगा। आपको बता दें कि तेलुगुदेशम पार्टी से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले टी राजा सिंह बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे। ठाकुर राजा सिंह गोशमहल सीट से विधायक हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी टी राजा सिंह कई विवादों में रह चुके हैं। 2015 में टी राजा सिंह ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बीफ फेस्टिवल के खिलाफ विवादित धमकी दी थी। 2018 विधानसभा चुनाव में दाखिल हलफनामे में टी राजा सिंह ने खुद के खिलाफ 43 केस की जानकारी दी थी। 2020 में फेसबुक और इंस्टाग्राम से टी राजा सिंह को बैन कर दिया गया था। उन पर नफरत फैलाने का आरोप लगा था। टी राजा सिंह रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान को लेकर भी चर्चा में रहे। चुनाव आयोग ने टी राजा सिंह को वोटरों को धमकाने के मामले में नोटिस भी जारी किया था। टी राजा सिंह ने यूपी के वोटरों को धमकी देते हुए कहा था कि अगर बीजेपी के पक्ष में वोट नहीं दिया तो उनके घर पर बुलडोजर चलाएंगे। एक वायरल वीडियो में राजा सिंह ने जनसंख्या विस्फोट के लिए मुस्लिम समुदाय पर निशाना साधा था। इसी साल रामनवमी पर शोभा यात्रा के दौरान टी राजा सिंह ने भड़काऊ भाषण दिया था। यानी जिन लोगों का दिमाग तन से जुदा है उसमें टी राजा सिंह जैसे लोग भी शामिल हैं। ये लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए, चर्चा में रहने के लिए अक्सर ऐसे बयान देते हैं जिससे समाज में वैमनस्य बढ़ता है। बीजेपी ने अब टी राजा सिंह को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। पुलिस पहले भी इस तरीके के बोल बोलने वाले नेता के खिलाफ एक्शन ले चुकी है, लेकिन टी राजा सिंह के बहाने अब दूसरी जमात के तन से जुदा वाले जो गैंग के लोग हैं वो सक्रिय हो गए हैं। कई विवादों में ही रही रजा एकेडमी अब टी राजा सिंह के बयान के बहाने लोगों को भड़काने में जुट गई है। खुद को मुसलमानों का हमदर्द बताने वाली रजा एकेडमी अब बयानबाजी कर इस विवाद को और जहरीला बना रही है। आंध्रा हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि इसको उस वक्त तक जमानत ना दी जाए, उस वक्त तक रिहा ना किया जाए जब तक इस पर मुकदमा चल रहा है और उसको सज़ा उसकी मुकम्मल ना हो जाए उस वक्त तक इसको रिहाई ना मिली। और अब आपको दिमाग तन से जुदा गैंग के एक और सदस्य मिलाते हैं। इससे पहले एक सवाल पूछना आपसे जरूरी है। सवाल ये कि क्या समाज में हमें दूसरी आस्था के लोगों की भावनाओं का सम्मान नहीं करना चाहिए? क्या अनजाने में भी हमें दूसरी आस्था के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने से बचना नहीं चाहिए? बिहार में कुछ ऐसा ही हुआ। गया के एक बेहद पवित्र मंदिर में बिहार के मंत्री मोहम्मद इसराइल मंसूरी गर्भगृह तक चले गए। किसी के मंदिर में जाने से मंदिर की पवित्रता भंग बिल्कुल नहीं होती, लेकिन यहां सवाल आस्था का है। मंदिर के बाहर बोर्ड पर यह लिखा है कि मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित है, बैन है। ऐसे में सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर मंत्री जी मंदिर के गर्भगृह तक क्यों गए? अनजाने में ही सही, मंत्री जी ने क्यों कुछ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई? करोड़ों सनातनियों का अपमान हुआ है। उनका इंटेंशनली अगर ये था कि हाँ मंदिर में प्रवेश करें तो ये सही बात नहीं है, गलत है। उन्होंने एक जाकर के पवित्र मंदिर को अपवित्र किया है। बिहार के गया में विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर, मंदिर के अंदर अभी अभी बीजेपी को छोड़कर आरजेडी के साथ नई सरकार बनाने वाले नीतीश कुमार के साथ उनके मंत्री मोहम्मद इसराइल मंसूरी। बस इतना ही काफी था, आस्था का ये केंद्र विवाद का सेंटर बन गया। इन तस्वीरों ने बिहार की राजनीति में सवालों का बवंडर खड़ा कर दिया है। पूरी कहानी कुछ यूं है कि ये तस्वीरें विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह की हैं। गया पहुंचे सीएम नीतीश कुमार विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। सीएम के साथ मंदिर के गर्भगृह में दूसरे तमाम लोग भी मौजूद थे। इन लोगों में बिहार सरकार के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री मोहम्मद इसराइल मंसूरी भी मौजूद थे। मंदिर के गर्भगृह में मोहम्मद इसराइल मंसूरी की मौजूदगी पर विवाद क्यों है? इसकी वजह मंदिर के बाहर लगी ये सूचना है। इस सूचना में साफ साफ कहा गया है कि गैर हिंदू का इस मंदिर में प्रवेश वर्जित है। इस सूचना के बाद भी मोहम्मद इसराइल मंसूरी मंदिर में गए। विष्णुपद मंदिर देश नहीं दुनिया में विख्यात है, उसमें विधर्मी को ले जाना, और जबकि स्पष्ट लिखा हुआ है यह सनातनियों का अपमान है। मुख्यमंत्री जी स्वयं माफी मांगे
और इसराइल मंसूरी इस्तीफा दे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी सनातनियों के मान सम्मान के लिए चुप नहीं बैठेगी। खेद प्रकट करना चाहिए था, और अगर ऐसा उनका इंटेंशनली अगर ये था कि हाँ मंदिर में प्रवेश करें तो ये सही बात नहीं है, गलत है। ऐसा करते हैं तो आगे से आइंदा अगर कोई भी VIP मंत्री वगैरह अगर मंदिर में आते हैं तो हम तो पहले गेट पर उनको रोकेंगे और पूछेंगे कि आपके साथ कौन कौन है। सूचना जनसंपर्क अधिकारी ने जब मंदिर के गर्भगृह में पूजा करते CM नीतीश कुमार और उनके साथ खड़े दिख रहे मंत्री मोहम्मद इजराइल मंसूरी की तस्वीरें जारी की तो सवाल उठने लगे। मेरा संयोग है, सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ विष्णुपद मंदिर का भी हमने दर्शन करने का काम किया है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि पाबंदी के बाद भी मंत्री इजराइल मंसूरी मंदिर के गर्भगृह में क्यों गए। सवाल उठ रहा है कि जब मंदिर के बाहर सूचना दर्ज है, बोर्ड लगाया गया है, तब क्या मंत्री मोहम्मद इजराइल मंसूरी को इसका ख्याल नहीं रखना चाहिए था कि उनके मंदिर में जाने से लोगों की भावनाएं आहत होंगी। विष्णुपद मंदिर के प्रबंधन से जुड़े लोग कहते हैं कि मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश आज से नहीं, बहुत पहले से बैन रहा है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इस बैन का उल्लंघन हुआ हो। अब मंत्री मोहम्मद इजराइल मंसूरी के मंदिर में प्रवेश से वो लोग नाराज हैं जो मंदिर में आस्था रखते हैं। सवाल ये है कि क्या मंत्री होने के नाते मोहम्मद इजराइल मंसूरी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो आम लोगों की भावनाओं का ख्याल रखें? क्या मंत्री जी को जन भावना का ख्याल रखते हुए मंदिर में जाने से बचना नहीं चाहिए था?